हेलो फ्रेंड्स, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सुरेंद्र यादव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं माई सेल्फ सुरेंद्र, ठीक है फ्रेंड्स, एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब, ठीक है, एंड वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपना रिव्यू ज़रूर देंगे एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है फ्रेंड, वो है लॉजिक गेट्स। तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूँगा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। बेसिकली गेट्स क्या होते हैं, फिर आएंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो गेट्स तो आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो बेसिकली हमारे लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। किसको परफॉर्म करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस को, मींस अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे गेट्स को हम लोग लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्या करते हैं बेसिकली? लॉजिक गेट्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल मतलब जिसमें कोई लॉजिक हो, ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। तो बेसिकली आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, एसएससी देने वाले हों, आपसे कोई डेफिनेशन तो पूछने नहीं आ रहा, आपसे इनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आपको सारे गेट्स का क्या आना चाहिए? एप्लीकेशंस आने चाहिए। आपको डेफिनेशंस पे फोकस नहीं करना है, यू हैव टू लर्न एप्लीकेशन। क्या पढ़ना है आपको? एप्लीकेशन ऑफ दीज गेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बहुत से लोगों को ये बहुत बेसिक पार्ट लग रहा होगा, बट बहुत से लोगों का यही बेसिक पार्ट अच्छा नहीं होता है एंड वहाँ पे वो लोग मार्क गेन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको डेफिनेटली करेक्ट 100% करेक्ट डाटा बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को इस टॉपिक का करेक्ट नॉलेज नहीं होता, आपको करेक्ट नॉलेज दिया नहीं जाता एंड फिर आप लोग वहाँ पे गलत क्वेश्चंस बना के आते हो जल्दबाजी में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कम टू द पॉइंट। लॉजिक गेट बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? थ्री टाइप के। बेसिक गेट्स होते हैं, अर्थमेटिक गेट्स होते हैं एंड यूनिवर्सल होते हैं। बेसिक गेट्स कौन से गेट्स होते हैं? जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन को, और ऑपरेशन को एंड नॉट ऑपरेशन को। दिस इज एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इसीलिए ये एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, हम बेसिक गेट्स को अच्छे से जानेंगे। क्या करेंगे? बेसिक गेट्स को हम अच्छे से जानेंगे। तो हेयर बेसिक गेट्स हमारे, ठीक है। बेसिक गेट्स में जो पहला गेट आता है वो आता है एंड गेट। अब एंड गेट क्या है, ठीक है, तो सिंबल आपका एंड गेट का ये। बहुत से लोगों को इस गेट का पूरा नॉलेज होगा, बट मेरी बात 2 मिनट 3 मिनट सुन लें, उससे आपका कुछ नॉलेज ख़राब तो होने वाला नहीं है। तो ये इसका सिंबल है एंड गेट का, सिंबल, ठीक है। ए एंड बी, टू इनपुट मैंने लिया यहाँ पे, मैंने जो लिया है वो टू इनपुट एंड गेट लिया है। अभी आपके सिलेबस में जो है टू इनपुट एंड गेट ही है। तो जो इसका आउटपुट होता है, आउटपुट वाई इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, वाई बराबर ए डॉट बी जो होता है वो इसका आउटपुट होता है। किसका? एंड गेट में चल रहा है। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड यहाँ पे वाई हो गया। ट्रुथ टेबल मेरे साथ एक बार समझ लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ए एंड बी टू इनपुट्स हैं, तो टू इनपुट्स नंबर, मैं कुछ बेसिक पार्ट लेके चलूंगा, नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू टू, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू टू की पावर एन होता है एंड टू की पावर एन, एन की जगह कितने इनपुट्स हैं? टू, दैट्स वाई टू टू पावर टू इज फोर। यहाँ पे फोर इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे एंड टू की पावर एन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, इस पे कंफ्यूजन मत रहिएगा। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है और इससे कितने फंक्शन बनेंगे वो होता है टू टू द पावर टू टू पावर एन।
अगर इसके नंबर ऑफ फंक्शंस में आए तो 2 की पावर 2 की पावर n, तो ये हो गया यानी 2 की पावर 4 एंड 16 फंक्शन बनेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ये बेसिक मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब आते हैं हम अपने बेसिकली ट्रुथ टेबल पे। तो यहाँ पे इसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। चार कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, 0 0, ये 1 एंड ये 1, यहाँ पे ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स में आपको कुछ ना कुछ आपको गेन करने को मिलेगा, तो प्लीज़ थोड़ी देर पेशेंस लेवल अपना बढ़ाएं और पेशेंस से इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपका लॉजिक गेट्स का बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, ठीक है, लॉजिक गेट्स में। अब मैंने ये ट्रुथ टेबल आपके सामने बना दी। अब इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है फ्रेंड, समझने वाले पॉइंट पे आते हैं। हम क्या ले रहे हैं, ए, हमारे ए एंड बी के कितने कॉम्बिनेशन बनने, 4। तो ए बी के 4 कॉम्बिनेशन हमेशा यही बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये याद रखना है आपको। कैसे बनते हैं मैंने बता दिए, 0 0। अब आते हैं अपने मेन, वाई इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, 0.0 इक्वल टू 0। सेम वे में यहाँ पे क्या है, 0 है, बी का वैल्यू 1 है 1, तो 0 इंटू 1 इज फिर 0। यहाँ पे 1 इंटू 0 आएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0। सेम वे में 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो हमारा मतलब क्या हुआ, 0 इनपुट को बोलते हैं लो, तो यहाँ पे लो आउटपुट मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी लो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी लो आउटपुट मिल रहा है। हाई आउटपुट आपको एक ही कंडीशन में मिल रहा है, हाई आउटपुट आपको एंड गेट की एक ही कंडीशन में मिल रहा है, व्हेन दोनों इनपुट आपके जब हाई होंगे, दोनों इनपुट आपके जब हाई होंगे, देखो ये भी हाई है, ये भी हाई है, एंड आउटपुट भी हाई है। तो एंड गेट में आपको क्या याद रखना है, एंड गेट में याद रखने वाली चीज ये है कि अगर एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है, एंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 है, तो आउटपुट आपका लो होगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, वॉट एवर बी द सेकेंड इनपुट, उस पर हमें जाने की नीड ही नहीं है। अगर एक इनपुट 0 आ गया तो आंख बंद करके आउटपुट 0 होगा, देख लो। सेकेंड इनपुट 1 हो 0 हो, उससे मतलब ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, तो एंड गेट में जो इम्पोर्टेंट निकल के आया कंक्लूजन, इफ वन इनपुट इज लो, एक भी इनपुट अगर लो हुआ, वॉट एवर सेकेंड इनपुट कुछ भी हो, वॉट एवर बी द सेकेंड इनपुट, सेकेंड इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज लो, लो मतलब 0। ये आप लोग नोट कर लेंगे। फिर आते हैं, ये एंड गेट हो गया, कंप्लीट एंड गेट को समझा आपने, अच्छे से समझा। बस इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर वन गेट इज लो है, वन गेट अगर 0 है, देन आउटपुट इज ऑटोमेटिकली 0, वाट एवर बी द सेकेंड इनपुट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत से लोगों को पता होता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट वो वहाँ पे नहीं कर पाते जहाँ पे उनको करना चाहिए, बट अब करेंगे क्योंकि अब पता भी हो गया और ये भी पता हो गया कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सेकेंड नंबर गेट है हमारा और गेट, ठीक है। और गेट में इनपुट ए एंड बी हमने लगाया हुआ, और गेट का सिंबल ये है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी होता है। यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल में आते हैं। अब चार कॉम्बिनेशन हमें पता चल गए, वाई, यहाँ पे भी टेबल बनेगी 0 0 1 एंड 1, यहाँ पे 0 1 0 1, ठीक है। अब वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू हमारा है 0 प्लस 0, ए इक्वल टू 0 रखा, बी इक्वल टू 0 रखा, 0 प्लस 0 0, तो वाई इक्वल टू 0 आ गया आउटपुट में, 0 1 का कॉम्बिनेशन। 0 1 के बाद 0 प्लस 1 करेंगे तो 0 प्लस 1 इज 0 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस 0 इज 1,
यहाँ पे भी आउटपुट में वन आ जाएगा, वन प्लस वन इज ऑल्सो वन एंड कैरी जीरो आएगा उधर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो वन। तो इस गेट पे हमको क्या सीखने को मिला, इस गेट से हमें सीखने को ये मिला कि अगर वन इनपुट इज हाई, वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई। देखो हाई है, यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है, वट एवर बी द सेकेंड इनपुट, सेकेंड इनपुट से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ वन इनपुट इज हाई आउटपुट डायरेक्टली वन हो जाएगा, वॉट एवर सेकेंड इनपुट कुछ भी, वॉट एवर बी द सेकेंड इनपुट। क्लियर फ्रेंड्स? तो एंड में क्या था, एंड में अगर जीरो है तो आउटपुट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, सेकेंड इनपुट कुछ भी हो, और में क्या है, अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई हो जाएगा, एक गेट का इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, सेकेंड इनपुट कुछ भी हो, यहाँ पे एक भी गेट का अगर इनपुट लो है देन आउटपुट लो हो जाएगा, चाहे सेकेंड इनपुट कुछ भी हो। लास्ट है हमारा नॉट गेट, नॉट गेट में ये इनपुट है ए एंड आउटपुट वाई इक्वल टू होता है वाई इक्वल टू ए बार। तो इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल ए, ए के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो एंड वन। जैसे ही हम जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो का बार क्या आएगा, जीरो का बार वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, एंड वन अप्लाई करेंगे वन का बार जीरो, तो वाई इक्वल टू वन एंड जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये होता है हमारा इन्वर्टर सर्किट। तो नॉट गेट को थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, नॉट गेट इस टाइप से होता है गेट। ठीक है, यहाँ पे ए अप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलता है वाई इक्वल टू ए बार। ठीक है, यदि ये तो पता चल गया, इफ मैं दो नॉट गेट का कॉम्बिनेशन लगा दूँ, दो नॉट गेट लगा दूँ और यहाँ पे ए अप्लाई करूँ, इनपुट मैंने दिया, इनपुट यहाँ पे मैंने दिया ए, ठीक है, ए बी ए जीरो एंड वन कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ए अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार, ए बार मिलेगा, एंड ए बार इज द इनपुट फॉर सेकेंड नॉट गेट। ये फर्स्ट नॉट गेट है, फर्स्ट नॉट गेट का आउटपुट ए बार है, तो सेकेंड नॉट गेट का इनपुट ए बार है, दैट्स वाई सेकेंड नॉट गेट आउटपुट क्या हो जाएगा, सेकेंड नॉट गेट आउटपुट इक्वल टू ए बार का बार, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है बार होता है, इनपुट तो ए बार ही था, तो ए बार का बार हो जाएगा, मीन्स ये इनपुट था इसलिए मैंने इसको सर्किल किया हुआ है, ए बार का होल बार, मीन्स इसका क्या हुआ, ए आया, तो आउटपुट ए आया, मतलब क्या हुआ, जो इनपुट आपने दिया था वही आउटपुट मिला, तो इनपुट ए है एंड आउटपुट ए है, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं बफर सर्किट। बफर सर्किट क्या बोलते हैं, बफर सर्किट। नंबर ऑफ नॉट गेट कितने, नंबर ऑफ नॉट गेट यहाँ पे है टू। ऐसे ही अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने थ्री नॉट गेट अप्लाई किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है, ए अप्लाई किया तो यहाँ पे ए बार मिलेगा और ए बार इनपुट हो जाएगा सेकेंड वाले नॉट गेट के लिए, ये फर्स्ट नॉट गेट, ये थर्ड नॉट गेट, एंड सेकेंड नॉट गेट का आउटपुट होगा ए बार का बार, ए बार का बार इक्वल टू ए, एंड थर्ड नॉट गेट के लिए इनपुट ए होगा एंड अगेन आउटपुट ए बार होगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या मिला, यहाँ पे इनपुट ए अप्लाई कर रहे थे और आउटपुट ए बार मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉट गेट, नंबर ऑफ नॉट गेट यहाँ पे थ्री हैं तो आउटपुट मिल रहा है ए बार, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट गेट टू है तो आउटपुट मिल रहा है ए, मीन्स अगर नंबर ऑफ नॉट गेट इवन है, पॉइंट है, ये स्टार लगा के नोट करेंगे, नंबर ऑफ नॉट गेट इवन है देन आउटपुट इक्वल टू इनपुट, जो इनपुट अप्लाई करेंगे वही आउटपुट में मिलेगा, और नंबर ऑफ नॉट गेट ऑड हैं तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट का बार, इनपुट का क्या मिलेगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको जैसे चार मिले,
2000 मिले, 3000 मिले, आपको इवन एंड ऑड चेक करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट रख देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हो गए हमारे बेसिक गेट्स, हो गए बेसिक गेट्स में हमने तीन गेट्स देखे, एंड और नॉट गेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स पे आते हैं, यूनिवर्सल गेट्स हमने आ रहे होते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट। एंड इन गेट्स को हम यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों गेट से कोई भी गेट्स बनाए जा सकते हैं। तो एनी गेट, ठीक है, डेफिनेशन पे नहीं जानी, सुन लो यार। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट्स कौन से गेट्स होते हैं जिनसे सारे गेट्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, टीटी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाते हैं ए बी एंड वाई। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन, जीरो जीरो, वही चार कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। मेन पॉइंट पे आता हूँ मैं। ठीक है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मीन्स बूलियन एलजेब्रा से होता है, यहाँ पे ये a बार आ जाता है प्लस b बार भी आ जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आते हैं, y इक्वल टू क्या है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। जीरो रखो, जीरो इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट, जीरो इंटू जीरो जीरो एंड जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला वन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, जीरो इंटू वन का कॉम्प्लीमेंट, जीरो इंटू वन इज जीरो एंड जीरो कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो वन। तो यहाँ भी वन मिलेगा। एंड थर्ड में आते हैं, वन जीरो में, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड, ये थर्ड। थर्ड में आते हैं वन इंटू जीरो, वन इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो एंड जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन। तो यहाँ पे भी वन हो गया। एंड फोर्थ वन इज वन डॉट वन कॉम्प्लीमेंट एंड वन डॉट वन का वन डॉट वन इज वन एंड वन कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। तो ये जीरो। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट हमें कुछ इस टाइप से मिल रहा है, जीरो जीरो पे वन, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन एंड वन वन पे जीरो। यहाँ पे आउटपुट हाई मिल रहा है भाई, वन मीन्स आउटपुट हाई है, यहाँ पे भी हाई मिल रहा है एंड यहाँ पे हमें लो मिल रहा है। तो समझने वाला पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि नैंड गेट में आउटपुट हाई कब मिल रहा है। आउटपुट हाई तब है अगर एक भी इनपुट लो है, देखो एक भी इनपुट लो है देन आउटपुट आपका हाई है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, जीरो के साथ जीरो पे भी हाई है, जीरो के साथ वन पे भी हाई है, जीरो के साथ वन पे भी हाई है। तो इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क क्या है, स्टार मार्क पॉइंट ये है कि इन नैंड गेट इफ वन इनपुट इज लो, लो मीन्स जीरो, देन आउटपुट इज हाई और वन। आउटपुट क्या होगा, हाई होगा व्हाट एवर बी द सेकेंड इनपुट। सेकेंड इनपुट हमारा कुछ भी हो, अगर हमारा एक भी इनपुट लो है देन आउटपुट हमारा हाई होगा। यदि हमारा एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमारा हाई होगा। ये हमारे नैंड गेट की प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके एप्लीकेशन आएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग नॉर गेट पे। किस पे आते हैं, नॉर गेट पे। तो नॉर गेट की टीटी पे चलते हैं, टीटी पे चलते हैं। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी है एंड ये वाई है। वाई इक्वल टू हमारा आ रहा है ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मीन्स क्या है, ए बार डॉट बी बार ये आ रहा है। यहाँ पे ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन,
यहाँ पे ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें मिल रहा है वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, ठीक है। जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन। जीरो प्लस वन इज वन एंड वन कॉम्प, देखो जीरो प्लस वन का होल कॉम्प्लीमेंट है। जीरो प्लस वन इज वन एंड वन कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। ऐसे ही यहाँ पे वन प्लस जीरो का होल कॉम्प्लीमेंट है। वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो इज वन एंड वन कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। एंड वन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट है, वन प्लस वन इज वन एंड वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो। जीरो ये हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आउटपुट लो है, आउटपुट लो मिल रहा है। तीन केसेस पे आउटपुट लो है, लो लो एंड यहाँ पे भी लो। ये कब मिल रहा है लो? इफ वन इनपुट इज हाई, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टार में क्या है? इफ वन इनपुट इज हाई और वन, देन आउटपुट लो है, जीरो है। ये हो गए हमारे नैंड गेट एंड नॉर गेट। लास्ट पेज पे आते हैं हम लोग अपने लास्ट सेशन पे, गेट्स के, अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स में ये ए गेट है एंड ये बी गेट है। वाई इक्वल टू ए एक्सॉर बी बोलते हैं, साइन को एक्सॉर बोलते हैं। उसका मतलब होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है। और एक्सनॉर का मतलब होता है वाई इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बाद में कराऊंगा, पहले चलते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे तो थोड़ा बोरिंग पार्ट हो रहा था। बोरिंग पार्ट हमको करना नहीं है, हमें तो माहौल बना के रखना है, माहौल बना रहना चाहिए। माहौल बना रहेगा तो आपसे क्वेश्चन होते रहेंगे, और क्वेश्चन होते रहेंगे तो रिजल्ट आते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे तो सब कुछ सही होता रहेगा। तो ये LMRC में आया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं हिंदी में बता देता हूँ, ये फिगर बना हुआ है। फिगर में तो इंग्लिश हिंदी नहीं होती, फिगर तो फिगर होता है। द फिगर इज एन इक्विवेलेंट ऑफ, तो ये जो फिगर है ये किसके समतुल्य है? हिंदी में जो क्वेश्चन आया था वो आया था, ये फिगर किसके समतुल्य है? नैंड गेट के समतुल्य है, और गेट के समतुल्य है, एंड गेट के समतुल्य है, एक्सऑर गेट के समतुल्य है। चार ऑप्शन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो आप अपना आंसर बता दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, ठीक है। अगर सॉल्यूशन जो भी आया अब उसको कर लीजिए होल्ड, सॉल्यूशन कर लीजिए होल्ड। अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस बैकग्राउंड चेंज हुआ है। यहाँ पे ये कौन सा गेट है? सबसे पहले गेट पहचानना सीखो, ये कौन सा गेट है? ये है हमारा नॉर गेट। कौन सा गेट है? नॉर गेट। वन मान लेते हैं इसको, ये भी नॉर गेट ही है। ये नॉर गेट टू हो गया, ये नॉर गेट थ्री हो गया। सिंबल तो पहचानना सीख गए। यहाँ पे ए इनपुट है तो यहाँ पे भी ए मिला एंड यहाँ पे भी ए मिला। नॉर गेट वन का आउटपुट क्या होगा? नॉर वन का, मैं थोड़ा बेसिक से चल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आउटपुट नॉर वन का क्या होगा? ए प्लस ए, दोनों इनपुट पे ये था तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए इज ए होता है बूलियन अलजेब्रा में, एंड ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मिला हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें इनपुट में क्या मिल रहा है? बी बी। यहाँ पे भी बी मिल रहा है, दोनों टर्मिनल। देखो जब भी ऐसा फिगर मिले ना इस टाइप का तो थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये क्या बना दिया ए। तो इसको इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता है यार। देखो ये यहाँ पे भी ए लिख दूं मैं और यहाँ पे भी ए लिख दूं, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं। देख लो ध्यान से, इस टर्मिनल पे ए, इस टर्मिनल पे, चाहे इसको आप ऐसे बना दो, एक तार से जोड़ के बना दो, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे बना दो। सेम वे में यहाँ बी बना हुआ है तो यहाँ पे जो बी आ रहा था वो बी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे भी। तो नॉर टू का आउटपुट क्या होगा? बात समझ में आई? इस पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये एक ही से कैसे जुड़ा हुआ है। समझा दिया मैंने?
नॉट टू का क्या बना हुआ है, बी प्लस बी बी। अब ये बी प्लस बी इज बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा, अब आ जाएगा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे इसका इनपुट भी मिल गया, यहाँ पे इसका इनपुट भी मिल गया। इसका इनपुट देखो इस तार से ऐसे नीचे आया सीढ़ियों से, यहाँ पे आ गया, इसको सीढ़ी चढ़ना थी, ये यहाँ पे चढ़ गया, यहाँ पे आया बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आया ए कॉम्प्लीमेंट। तो नॉर थ्री का आउटपुट, नॉर थ्री गेट का आउटपुट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और नॉर का आउटपुट क्या होता है, जो फर्स्ट इनपुट हो, फर्स्ट इनपुट यहाँ पे ए बार है, सेकंड इनपुट बी बार है, एंड इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये नॉर थ्री का आउटपुट है, बात समझ में आई। फर्स्ट इनपुट यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड इनपुट इज बी कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट क्या होता है, फर्स्ट इनपुट प्लस सेकंड इनपुट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। एंड ए प्लस बी बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू होता है बूलियन एलजब्रा से ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताया गया होगा। ए बार प्लस बी बार नहीं पता तो ये याद रख लो। देखो मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इतना पता होगा, प्रूफिंग में कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा। देखो ए इक्वल टू जीरो मान लो, बी इक्वल टू जीरो मान लिया, मान लो ठीक है, तो जीरो बार प्लस जीरो बार क्या हुआ, जीरो बार वन, जीरो बार यहाँ ऑल्सो वन, वन प्लस वन इज वन। आर एच एस में आ जाते हैं, जीरो इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट, जीरो इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट, जीरो बार यहाँ पे कितना हो गया वन। तो कैसे भी आप वैल्यूज रख लो, चार केसेस की चार वैल्यू रख लो ए एंड बी की, चारों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो ये इक्विवेलेंट हुआ ए बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प, इसका आंसर क्या आया, ए बार प्लस बी बार का ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर मिला, जब ये होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये बचा ए डॉट बी। एंड ए डॉट बी आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये किसका सर, किसका होता है ए डॉट बी आउटपुट, ये होता है हमारे एंड गेट का। एंड गेट का होता है क्या आउटपुट, ए डॉट बी। मीन्स ये जो सर्किट बना हुआ था, ये जो सर्किट इन लोगों ने बना के दिया आपको, ये एंड गेट का सर्किट था। किसका सर्किट था, एंड गेट का सर्किट था। किस गेट से बनाया, नॉर गेट से बनाया, नॉर गेट की हेल्प से एंड गेट का सर्किट बनाया। इसलिए जो नैंड और नॉर गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो सर्किट पूरा बनाया, ये सर्किट है एंड गेट का, आउटपुट हमें एंड गेट का मिल रहा है, बट इम्प्लीमेंट किससे हुआ, नॉर गेट से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों है, अभी देखो इंटरेस्टिंग क्यों है। आउटपुट ऑफ अ जीरो लॉजिक गेट, आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज वन। लॉजिक गेट का आउटपुट क्या है, वन है। When all its inputs are logic zero, जब उसके सारे इनपुट जीरो होते हैं, तो the gate is either, ऐसा कौन सा गेट है। तो ठीक है, हमने जो बेसिक गेट पढ़े उसमें हमने एंड गेट पढ़ा था। एंड गेट में आउटपुट वन कब होता है, एंड गेट में आउटपुट वन तब होता है जब दोनों इनपुट वन हो। दोनों इनपुट वन होंगे तभी आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। देखो फर्स्ट पेज में बताया था, ये देखो एंड गेट में आउटपुट हाई तभी होता है, वन तभी होता है जब दोनों इनपुट वन हो, अदरवाइज आउटपुट लो ही रहता है, ठीक है। और गेट में आउटपुट वन कब होता है, जब दोनों गेट हाई कब होता है, जब एक भी इनपुट हाई हो। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज वन व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर जीरो। तो जीरो हो, एंड गेट तो कैंसिल हो गया, तो एंड गेट का कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन, एंड गेट का कैंसिल हो गया। अब आते हैं और गेट पे। और गेट हमारा क्या देता है, एक भी इनपुट अगर जीरो है, एक भी इनपुट जीरो है,
तो 0 प्लस 0, देखो और गेट क्या देता है, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 इज 1। तो अगर इन लॉजिक 0 है तो आउटपुट 0 ही मिलेगा और गेट में भी, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमें तो आउटपुट हाई चाहिए लॉजिक 0 पे, तो एंड और कैंसिल हो गए। अब आते हैं हम लोग, नॉट गेट तो होगा ही नहीं, तो नॉट भी कैंसिल, नॉट तो ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे नैंड और एक्सॉर चेक करते हैं, तो नैंड गेट में आउटपुट हाई कब होता है, नैंड गेट पे आउटपुट वाई इक्वल टू हाई कब होता है, जब एक भी इनपुट 0, 1 इनपुट इज 0, तो आउटपुट हाई हो जाता है नैंड गेट पे। तो नैंड गेट तो यहाँ पे करेक्ट है, तो नैंड गेट यहाँ पे मिल रहा है। 0 0 पे भी क्या देगा, 0 × 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो नैंड गेट यहाँ पे क्लियर है, सही है। अब एग्जॉर में आते हैं, एग्जॉर में क्या हो रहा था, एग्जॉर में एग्जॉर एग्जॉर मैंने आपको नहीं बताया, तो पहले मैं एग्जॉर बता दूंगा। अच्छा सॉरी, उस क्वेश्चन के पहले मुझे पहले एग्जॉर गेट बता देना चाहिए था, ठीक है। तो चलो ठीक है, एग्जॉर गेट देख लो, यहाँ पे ये एग, यहाँ पे ये बी, और ये आउटपुट, यहाँ पे भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0, ये 1, 0 1 0 1 0 1। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख के देखते हैं। 0 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या आएगा, 0 × 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, 0 यहाँ पे, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, 0, 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0। सेकेंड में क्या है, 0 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 0 डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट, तो 0 डॉट समथिंग इज 0, एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, एंड 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, तो यहाँ पे भी ये आउटपुट 1 हो गया। थर्ड है 1, तो ए की जगह 1 रखता, 1 कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह 0 प्लस ए की जगह 1 एंड बी की जगह 0 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट 0 × 0, 1 यहाँ पे 1 है एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो 0 × 0 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 एंड 0 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पे भी 1। लास्ट 1 इज 1 × 1 डॉट 1 का बार प्लस 1 डॉट a बार, सॉरी ये आएगा a बार डॉट a प्लस a डॉट b बार, तो 1 बार 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो आपके आउटपुट कुछ इस टाइप से हैं। तो आउटपुट क्या है, 0 0 पे भी 0 है एंड 1 1 पे भी 0 है, तो एग्जॉर गेट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लॉजिक 0, तो जब जी ऑल इनपुट्स 0 हैं तो भी आउटपुट क्या है, 0 है, तो ये एग्जॉर नहीं होगा, एग्जॉर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आते हैं नॉर गेट पे, नैंड गेट हो गया था, नॉर गेट पे आते हैं, एंड नैंड गेट वाला ऑप्शन चला गया, नॉर गेट पे आते हैं। नॉर गेट क्या करता है, इफ 1 इनपुट इज 0, 1 इनपुट इज हाई, देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई, तो नॉर गेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे और गेट क्या करता है, और गेट्स के अगर इनपुट 0 हो तो आउटपुट, अच्छा लॉजिक गेट, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज हाई व्हेन द और लॉजिक गेट इज, एक चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, अभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इन अ फिगर, ठीक है, आउटपुट बताना उस क्वेश्चन पे, अभी चलते हैं, जस्ट फॉर 2 मिनट वेट करेंगे उस क्वेश्चन का, थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी चलते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इन फिगर इज, अब इस फिगर का आउटपुट बताना है, तो ये कौन सा गेट है पहचान लो, ये है एक्सनॉर गेट, कौन सा है एक्सनॉर गेट। तो पहले एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल पे चलेंगे, तो एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल सेम बनेगी, ए डॉट बी, ए बी कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, थोड़ा पेज ओके ठीक है चलेगा, वाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1,
ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन, यहाँ पे क्या मिलना है, जीरो बार डॉट जीरो बार प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो बार वन, वन प्लस जीरो, वन इंटू वन वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो इज वन। तो यहाँ पे आउटपुट हाई, आउटपुट हाई मिला। फिर जीरो वन है तो जीरो वन को कैसे लेंगे, जीरो वन को कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आउटपुट में क्या लेना है, जीरो बार इंटू वन बार प्लस जीरो इंटू वन, जीरो बार इज वन, वन बार इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, थर्ड वन इज वन जीरो, वन जीरो मतलब वन बार डॉट जीरो बार प्लस वन इंटू जीरो, वन बार इज जीरो, जीरो बार इज वन एंड वन डॉट जीरो, जीरो प्लस जीरो आ रहा है तो ऑल्सो जीरो, लास्ट वन इज वन तो वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन इंटू वन, वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट जीरो, इधर भी जीरो प्लस वन इंटू वन इज वन, जीरो प्लस वन इज वन। तो ये आउटपुट हाई कब दे रहा है, जब दोनों इनपुट आपके जीरो हों तो आउटपुट हाई है, दोनों इनपुट वन है तो भी आउटपुट हाई है, यहाँ पे दोनों इनपुट जीरो हैं तो भी इनपुट आउटपुट जीरो है, और दोनों इनपुट हाई हैं तो भी आउटपुट जीरो है, ठीक है। तो ये बेसिकली गेट्स के बारे में हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इन अ फिगर। तो यहाँ पे ये ए इनपुट है और ये जीरो है, ठीक है, तो ए और जीरो दो इनपुट हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, ए एक्सनॉर गेट है तो एक्सनॉर का साइन और जीरो, ये क्या बनेगा, ए बार डॉट जीरो बार प्लस ए इंटू जीरो। ये जो सिंबल होता है ग्राउंड का सिंबल होता है, और ग्राउंड मतलब होता है लो इनपुट, लो इनपुट है ये, और लो मींस जीरो, ठीक है, हाई मींस वन, तो ये वन हो गया। तो ये ए बार जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन एंड जीरो इंटू समथिंग इज ऑल्सो जीरो। ये ए बार डॉट वन क्या आया, ए बार, यानी एफ इक्वल टू ए बार, तो एफ इक्वल टू ए बार मिला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पे, ठीक है, एक बार इसको पूरा क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, जो भी मैंने इसको अभी तक डिस्क्राइब किया वो सब भूल जाओ, एक बार इस क्वेश्चन को कायदे से इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक मिनट लगेगा, आप एक्सोर एक्सनॉर और एक्सोर नहीं हुआ था, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज यहाँ पे टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस आ गए, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज हाई, आउटपुट हाई है लॉजिक गेट का, वन है, वेन ऑल इट्स इनपुट आर लॉजिक जीरो, इनपुट ए इक्वल टू भी जीरो है एंड बी इक्वल टू भी जीरो है, द गेट बताना है कौन सा है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं नैंड, नैंड गेट के, नैंड गेट पे आउटपुट हाई कब होता है, देखो ए बी ट्रू टेबल ही बना लेते हैं, एक मिनट लगेगा, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, नैंड गेट का बना रहा हूँ। नैंड गेट पे आउटपुट क्या मिलेगा, नैंड गेट पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो जीरो का जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे वन, ठीक है, बिकॉज हाई हाई का आउटपुट वन होता है। तो आउटपुट वन कब मिल रहा है, जब ए इक्वल टू वन है एंड बी इक्वल टू वन है, दैट्स वाई नैंड गेट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी पे आते हैं नॉर गेट पे, नॉर गेट की भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, नॉर गेट पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, नॉर गेट का जीरो बार तो जीरो बार का वन, यहाँ पे जीरो प्लस वन इज वन बार, यहाँ पे जीरो, वन प्लस जीरो इज जीरो बार वन एंड वन प्लस वन इज वन, वन बार जीरो, वन बार जीरो, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट वन है जब दोनों इनपुट जीरो हैं, दोनों इनपुट जीरो हैं, दोनों इनपुट ए भी जीरो बी भी जीरो, आउटपुट हाई है, तो नॉर गेट करेक्ट है, तो नॉर गेट करेक्ट है। अब आते हैं एक्सनॉर गेट पे, अगर नॉर गेट करेक्ट है तो सेकंड बी चेक करना पड़ेगा, और सेकंड अगर करेक्ट है देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो
आ जाओ एक्स नॉर गेट पे। तो एक्स नॉर गेट तो अभी यहीं पे बताया हुआ है ना, ये एक्स नॉर गेट पे आउटपुट हाई कब मिल रहा है, जब बोथ इनपुट आर जीरो, तो एक्स नॉर गेट भी करेक्ट है। देखो एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी, और एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है ए एक्स नॉर बी। ए इक्वल टू जीरो पुट करो, बी इक्वल टू जीरो पुट करो, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन, जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन, जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, वन डॉट वन इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इज वन, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। हैंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नॉर गेट और एक्सॉर गेट पे आउटपुट वन मिलता है व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो। और एक गेट और होता है, ठीक है, एक गेट और होता है, ठीक है, जब बोथ इनपुट्स आर जीरो तो आउटपुट हाई होता है, ठीक है, वो होता है नैंड गेट। देखो यहाँ पे नैंड गेट, अगर बोथ इनपुट अगर जीरो हैं तो आउटपुट हाई होगा। तो ऐसे तीन ही गेट होते हैं, ऐसे तीन ही गेट होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, कि बोथ इनपुट अगर जीरो हो तो आउटपुट हाई होगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर वन था फ्रेंड्स, थोड़ा लेक्चर की लेंथ बढ़ गई। प्लीज़ कंसेप्ट्स को क्लियर करिएगा, एंड प्लीज़ मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब पीके अटैक क्लासेस।